गुड मॉर्निंग गाइस, और ये देखें मॉर्निंग ऐसी होती है। ये रिव्यूज चेक करें, जबरदस्त जबरदस्त मॉर्निंग टाइम। 10:30 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए ऊपर। और अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं, फर्स्ट क्लास हैं। आपका दोस्त, आपका बड़ी अफीफ जैदी हंजा में गुड मॉर्निंग करने के बाद अब नाश्ते की टेबल पे। नाश्ता हमारा आ गया है और हमने मंगाए हैं पराठे, रेगुलर ऑमलेट और चाय, बेहतरीन चाय। मिलते हैं आपसे तैयार शैयार होने के बाद। इसके बाद हम रूम में जाएंगे, आई विल ट्राई एंड टेक अ बाथ एंड देन वी आर गोना बी ऑफ टू अल्बर्ट फोर्ट एंड ईगल नेस्ट। आज का ये प्लान है, देखते हैं कि ये प्लान कैसे एग्जीक्यूट होता है। गाइस, हम लोग बल्तित फोर्ट के लिए करीमाबाद का बाजार क्रॉस कर रहे हैं। टाइम जी इस वक्त हो गया है तकरीबन 1:30 बज रहे हैं। हम लोगों ने आराम से थोड़ा देर से उठे, आज नाश्ता माश्ता किया, रिलैक्स किया, उसके बाद निकले, क्योंकि दोनों डेस्टिनेशन जो हैं बल्तित और अल्तित फोर्ट की करीब करीब ही हैं, इसलिए आज कोई ऐसा जल्दी निकलने का प्लान नहीं था। कल जल्दी निकलेंगे। ये जी करीमाबाद का बाज़ार, यहाँ पे सारी की सारी ये करीमाबाद स्पेशल हैंडीक्राफ्ट्स और सोवेनियर टाइप चीज़ें मौजूद हैं। वापसी भी देखेंगे इस बाज़ार को, छोटा सा राउंड लगाएंगे। होटल्स मौजूद हैं यहाँ तक, फोर्ट ऊपर जी हम लोग पहुंच गए हैं बल्तित फोर्ट की पार्किंग में। मेरा ख्याल दुरुस्त है, लग तो रहा है। यहाँ से जी हम लोगों ने लेनी है बल्तित फोर्ट के लिए टिकट्स। तो जी यहाँ से हम लोगों ने अपनी सवारी ली है, क्योंकि बाबा से ऊपर और नहीं था चढ़ा जा रहा। ऊपर जाने का जी ये ले रहे हैं 1,000 रुपया। हम लोग एंटर होने लगे हैं बल्तित फोर्ट। इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के गैस में थक गया। ये उस जमाने का सीक्रेसी प्लानिंग हॉल है, ऐवान मजलिस शुरा है। सो मीन्स मिनिस्टर बैठ के यहाँ पे मीटिंग की जाती थी सर। ये 1960 की बुक है सर, पिक्चर है। जी सर, इसी सीजन में या अतीत से ली गई पिक्चर है सर।
यहाँ पे स्पेशली मीर अफुंजा बैठा करते थे, ग्राउंड फ्लोर पे सर मिनिस्टर बैठते थे। मीर अफुंजा का नाम भूलिया दोबारा बताइए। मीर मोहम्मद जमाल खान सर। तो यहाँ पे मिनिस्टर बैठते थे, यहाँ से स्पेशली सर नीचे पोलो भी देखा करते थे सर। ये जो कार पार्किंग एरिया है सर, वो देखिए हमारी गाड़ी खड़ी है। बिफोर 1974 ये बहुत बड़ा पोलो ग्राउंड था सर। यहाँ पे अब घर बने हुए। अरे ये दो गाड़ियाँ जो कार पार्किंग है, शायद आपकी भी गाड़ी ये वो सामने मेरी खड़ी सर। बिल्कुल सर, ये तो उस जमाने में ये जो छत था सर ओपन नहीं था, जो वेंटिलेशन के लिए आपको नहीं दिखाया था सर, इसी तरह छोटा था। जब इसको रिस्टोर किया गया तो सर इंजीनियर ने इसको ओपन किया है सर, क्योंकि ये लास्ट रूम भी था। गाइस बलतेत फोर्ट हम लोग हो आए हैं। फुटेज को ज़्यादा नहीं बन सकी क्योंकि गोप्रो मैं छोड़ गया था और दूसरे वाला कैमरा था, लेकिन उसकी बैटरी एकदम से जो है वो ड्रेन आउट शो करना शुरू हो गई। तो अब बलतेत फोर्ट के बाद हम लोग ये करीमाबाद का पुराना बाजार क्रॉस कर रहे हैं। ये विप्स ऊपर से हम लोग उतर आए हैं नीचे वाले बाजार की तरफ, स्टिल विद इन करीमाबाद। तो गाइस अभी हम लोग लेने जा रहे हैं मारखोर का छोटा, लेने नहीं जा रहे, उसकी प्राइस पता करने जा रहे हैं छोटे वाले मारखोर की, के बाबा को वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगा इसलिए। उई, मैं दोबारा से टिकने लगा था। ये बड़ा मोटा है, कितने का है सर? 1800। ये भी है ना? ये 3300 का। दोनों दिखाओ। ठीक है, दो दिखाता हूँ। तो गाइस फाइनल हुआ है कि हम लोग छोटा वाला ले रहे हैं जो 1800 का है। ये ना जी, पेमेंट जी कर दी है। तो गाइस बाबा ने जी हमें भेजा है कालीन की कीमत पता करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक। चेक करें जी, ब्लॉसम टाइम इन हुंजा, ब्यूटीफुल, जबरदस्त। साथ ही पीछे पहाड़ का व्यू भी चेक करें। मनाली ऐसी चीजों को देख के क्या कहते हैं हम लोग? वाह, मजा आ गया। प्यारा कलर है ना दोनों का, है ना? देख के मजा आता है। सामने पहाड़ बने। जी व्यूज चेक करें, क्या बात है। ऐसा लगता है जैसे किसी फेरी लैंड में आ गए, है ना? लगता है फिक्शनल दुनिया में आ गए। हाँ Nice. खूबसूरती के लेवल जी, खूबसूरती के लेवल मैक्स को टच कर रहे हैं इस वक्त। तो गाइस गाड़ी पार्क करने के बाद यहाँ पे ये पार्किंग है, ये यहाँ से लेफ्ट, और ये हम लोग अब अलतेत फोर्ट के लिए
एंटर हो रहे हैं। टाइमिंग है जी सुबह 9 से लेके 5:30। और विंटर्स में 9 से लेके 4। ये देखें, ये दिस इज द एंट्रेंस। एक छोटी सी मार्केट है अल्बर्ट फोर्ट की, हैंडीक्राफ्ट और टूरिस्ट अट्रैक्शन आइटम्स, ये स्नैक्स एंड ड्रिंक्स। अस्सलाम वालेकुम। खूबसूरत सी कॉफी शॉप। अस्सलाम वालेकुम, कैसे तो आके टिकट लेना, ठीक हो गया। ये देखें जी ब्लॉसम टाइम, खूबसूरती टाइम, ऑसम टाइम, ऑसम ब्लॉसम। फिट हो गया जी काम, फिट हो गया, जबरदस्त काम हो गया। Pathway to heaven. क्यों जी गलत तो नहीं कह रहा ना मैं, इट इज द पाथवे टू हेवन। चेरी के दरख्त भी हैं साथ साथ बादाम और खुबानी के लिए, मेरा ख्याल है जो चेरी वाले हैं वो शायद ये रेड वाले दरख्त हैं और बाकी ये सफेद फूल वाले। ऊपर को हमने जाना है अल्तफ फोर्ट के लिए। जीबीका सबसे पुराना मॉन्यूमेंट और इसके तामीर करने वाले हजरत शिगर से आए, वहां से यह फोर्ट का पहला पोर्शन है, एज ए रिसेप्शन इस्तेमाल हुआ है और यही गार्ड है। यहाँ दिन को दरबार, रात को कुछ कमांडोज पहरा देते थे, शाही खानदान तक कोई इंटरनल एक्सटर्नल एग्रेशन न पहुंच पाए इसलिए। और ये वाइन सेलर मजहब इस्लाम के मुबल्लिगीन यहाँ 1620 में बलुच बदख्शान से ईरान से आए, सो वो इस्लाम लेके आए, उसके बाद फिर ये वाइन सेलर्स का काम सोशली ये मना हो गया, लीगली सोशल। और ये खड़ी कब्र है, पुराने ज़माने में शहजादे ने अपने भाई के खिलाफ बगावत करी, बड़े ने छोटे को समझाया न माना, उसे जिंदा चुनवा दिया। इसमें ये चुनवाने का निज़ाम मंगोलों का होता था, चीनियों का और सेंट्रल एशियंस का। सो यहाँ चूँकि सबसे पहले हुंजा में सेटलर्स मंगोल्स आए हैं, सो साउथ मंगोलिया से आए हैं जो कि चाइना के पास है अभी,
जहाँ एक दरिया बहता है, हुआंगहो रिवर कहते हैं, येलो रिवर। उस दरिया के किनारे आबाद कुछ हन डायनेस्टी के लोग आके आबाद हुए। उन्होंने जगह का नाम रखा हुंजाओ, जिस तरह चाइना में ग्वानजो, मानजो, हानजो है, दिस इज हुंजो। तो गाइस ये यहाँ से ऊपर चढ़ियाँ जा रही हैं, उनका कॉन्फ्रेंस है, कौमी असेंबली। यहाँ कबाइल के लीडर जाते थे, स्टेट के मिनिस्टर जाते थे, रोजाना जनाब सियासी गुफ्तगू, मुझे क्यों निकाला वगैरह। और हफ्ते में एक मरतबा सुप्रीम कोर्ट भी लगता था, बड़े बड़े मसाइल यहाँ हल करते थे। और ये कुकिंग पोट आपके पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, के पी के मैदानी इलाकों में जिस तरह मिट्टी के बर्तन बनाने का रिवाज है, हमारे यहाँ पत्थर के बनाते थे। बर्तन पत्थर के और मेटल ज़्यादा नहीं होता था, मेटल मिलता भी तो उससे वेपन्स बनाते थे। और मिनिस्टरों के लिए उनका खाना उनके सामने बनाना लाजमी था, ताकि उनको पॉइजनिंग का डाउट ना हो। फिर सामने खाना बनाते वक्त उन तक धुआं भी ना फैल जाए, क्रॉस वेंटिलेशन, यहाँ जलाएंगे वहाँ से हवा इधर आएगी, गर्म होकर ऊपर उठने लगे, धुआं को बाहर निकाल। ओके, सो वो दरवाज़ा, ये दरवाज़ा, नीचे से आने वाली गली, सबका वेंटिलेशन सेंट्रल यहाँ है। जब समर में अपर एटमॉस्फेयर गर्म होकर ऊपर उठने लगे, यहाँ से ठंडी हवा खींचना शुरू कर देती है ऊपर की तरफ, तो हर कमरा हवादार हो जाता है। विंटर में हम ये बंद करते हैं तो तमाम कमरों की हवा वहीं रुक जाती है, खड़ी हवा को देर तक गर्म रखना आसान होता है। ये जिंदान है, प्रिजन है, डंजन। अवाम में से कोई आदमी, आम आदमी, अगर स्टेट के खिलाफ बगावत करे, पब्लिक का कोई बंदा, उसकी खातिरदारी यहाँ, उनके घुटने और टखने दो मुड़ी हुई लकड़ियों में, हम वो नरदौलस कहते हैं, पुश्त पे जानी मरोड़ कर लॉक करते थे। न वो बैठ सके आराम से, न सो पाए, न वो अपोलोजाइज करे, तब उनको रिलीज़ किया जाता। दो दिन में कोई भी अपोलोजाइज करेगा, सो रिलीज़ होने के बाद भी आज़ाद नहीं होंगे। हम बलदार गोस कहते हैं, उनको ग़ुलामी करवाते थे स्टेट के लिए। ये सज़ा आवाम के लिए थी, इलीट बगावत करें उनको मार दिया जाता, इलीट्स को नहीं बख्शा जाता। तो ये कमरा उनका सेफ्टी रूम था, शाही ख़ानदान में कोई शहजादा या शहजादी विंटर में पैदा हो उनको यहाँ रखा जाता, ताकि सर्दी से बचाया जा सके। एज अ पैनिक रूम भी इस्तेमाल हुआ है, सो किसी ख़तरे का जो अलार्म हो तो यहाँ ख़वातीन और बच्चों को रखते थे। और अंग्रेज़ 1891 में आए, आपके सब कॉन्टिनेंट के कैपिटल पर 57 में कब्ज़ा हुआ, 1857 में, यहाँ तक 1891 में आए, दो मरतबा हमला किया, वो काफ़ी नुकसान हुआ उनको, तो तीसरी मरतबा हुंजा में बाई नेगोशिएशन आए। सो नेगोशिएशन के कागजात मुकम्मल होने तक कैप्टन डिवरेंट इसी फोर्ट में क्याम कर चुके हैं, ये उनका न्यू एडिशन है, गौरव का, इंगन लॉग कहते हैं इसे। और जो मैं खड़ी कवर आपको बता रहा था, क्या कहते हैं उसको, INGLE, इंगल नूक, NOOK। लिविंग चैम्बर होता था, याद जलाने की जगह, दोनों यहाँ बैठे रहते ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के लिए, वो जगह उनकी आरामदा, उनका अलग किचन, अलग डाइनिंग रूम, अलग बेडरूम नहीं था। ये घड़ी है, सूरज मशरक में तुलू होता है, इस स्काईलाइट के थ्रू एक घंटे बाद रोशनी यहाँ उतरती है, तुलू होने के एक घंटे बाद, विद द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट साये यहाँ बनते हैं, ये जो पाइप हैं, सूरज मगरिब की तरफ, रोशनी इस तरफ, साये यहाँ से गोल घूमते हुए यहाँ तक पहुँच जाते हैं। इस हाफ सर्कल को वो तकसीम करते थे जावियों में, टाइम टेबल बनाते थे। विंटर में ये 5 घंटों का, समर में 9 घंटों का बनाता है, क्योंकि समर में यहाँ से गुजरता है दिन लंबे, रातें बहुत छोटी होती हैं, समर दिन 16 घंटों के और रातें कम हो जाती हैं, तकरीबन 8 घंटों। और फिर विंटर में रातें 16 घंटों, लू है, दिस इज टॉयलेट, लकड़ी का एक वुडन ओपन पैसेज बना के फिक्स करके रखते थे, जब रॉयल फैमिली यहाँ एक्सक्रीट करें पानी डाल के, एक्सक्रीमेंट ड्रेन आउट। ये हमाम है जी, नहाने धोने के लिए, वो बड़ा इसलिए बना, एक तरफ आग जलाते थे ताकि हमाम गर्म रखा जा सके।
टावर है, स्टोर है। खानका है सूफियों के मुराकिबों की जगह, और इस स्टोर के पीछे सजाई मौत की जगह है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। खानका के पीछे फोर्ट का नया पोर्शन है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। पहले सजाई मौत की जगह देखते हैं। ये सजाई मौत की जगह जी, हमलावर पकड़े गए फेंक दिए जाते, यहाँ से नीचे दरिया तक 300 मीटर 990 फीट। 300 मीटर ये जी सजाए मौत की जगह। नहीं आपका मोबाइल दीजिए, आप वहाँ जाएंगे अल्तेत फोर्ट पे और सजाए मौत को करें साइड पे, व्यू चेक करें आप। यह जी पोर्ट का नया पोर्शन, यह फोर्ट का नया पोर्शन है। गोरुम के जमाने का तामीर शुदा, अंग्रेज जब यहाँ आए उस जमाने के हेड ऑफ स्टेट ने कुछ कमरे उनके लिए बनवाए, उनके पॉलिटिकल एजेंट्स वगैरह आके यहाँ स्टे करते थे। इनमें कुछ तस्वीरें 1932 की हैं, उनमें से 4-5 तस्वीरों का मैं आपको बता दूँ। 1832 में एक अंग्रेज कर्नल साहब आए, वो पॉलिटिकल एजेंट रहे हैं जीबी का, 1927-30 तक, 30 में चले गए, 32 में वापस आए, तस्वीरें बनाई उसमें। ये हल चला रहे हैं गंदगी की कटाई, विनोविंग आफ्टर थ्रेशिंग, और ये देखें ख्वातीन के हाथ में स्टिक्स हैं, वुल की धुनाई कर रही हैं। अच्छा। इसमें धागे बना रही हैं, धागे बनाना धुनाई करना ख्वातीन का काम होता था, वीविंग मर्दों का जिम्मा था, कपड़ा बुनना। और ये देखिए जिम में जाने से पहले खास किस्म के रिदम बन जाते थे, नौजवानों को लड़ाई के लिए मोटिवेट किया जाए। सेम रिदम शाही खानदान अपनी वेडिंग सेरेमनीज में बजा, ताकि बाराती हों अपने सब मेहमानों को अपना वॉर ड्रेस दिखा। तो गाइस हम लोग अल्तेत फोर्ट से निकल गए हैं, अब हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स ईगल नेस्ट। वहां पे जाके अब हम लोग सनसेट का मजा लेंगे। कह रहे हैं जी 20-25 मिनट का रास्ता, अब अगर ये लोग 20-25 मिनट कह रहे हैं तो उसके अंदर हम 10 मिनट मजीद ऐड कर लेते हैं। चलें मिलते हैं फिर अब दोबारा से रास्ते में। फोक्स हम लोग मुड़ गए हैं ईगल नेस्ट वाली रोड के ऊपर, यहां से हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे। और ये छोटा सा गांव टाइप एरिया है जो हम क्रॉस कर रहे हैं। टिपिकल गिलगित बल्तिस्तान के जिस तरह घर बने होते हैं गांव के पत्थरों से, सारा एरिया तकरीबन ऐसे ही है। और शायद इस पहाड़ की टॉप पे हम लोगों को पहुंचना है ईगल नेस्ट या ईगल्स नेस्ट।
जैसे मैंने आपको कहा था कि हाइट वाली रोड है सारी, चढ़ाई है चढ़ाई। मुसलसल चढ़ाई, ये गांव सारे का सारा, इसका नाम अल्तित गांव ही है। सो अल्तित फोर्ट के साथ साथ ये अल्तित गांव, और ये सफर हमारा टूवर्ड्स ईगल नेस्ट। ये देखें जी, लोकल्स आ रहे हैं लकड़ियां काट के। सख्त लाइफ है जी इन लोगों की। ये देखें खवातीन भी आ रही हैं। चेक करें व्यूज। मजे की बात वैसे ही, हम चल तो रहे हैं इस रोड के ऊपर, लेकिन अभी तक ईगल नेस्ट का कोई बोर्ड नहीं आया। है ना अली? Yes. हार्ड रॉक हुंजा रिजॉर्ट एंड विलास का बोर्ड आ गया है, फेरीलैंड होटल का आ गया है, हुंजा लाइसियन का आ गया है। पता नहीं ईगल नेस्ट जगह का नाम है या कोई रिजॉर्ट है, क्या है। मुशक्कत वाली रोड है लेकिन मजे की रोड है। रूमी वेंटेज रिजॉर्ट का भी आ गया जी, रूमी वालों का इधर भी है। काफी हाइट पे आ गए वैसे हम लोग। चलें देखते हैं। यहाँ से तकरीबन कोई किलोमीटर दूर है ईगल नेस्ट। ये देखें जी, ये कैंपिंग साइट है, और ये व्यूज चेक करें, खूबसूरत, क्या बात है। ये अली मेरे ख्याल है जो पीक नजर आ रही है ना, इसको लेडी फिंगर कहते हैं। ये जो नजर आ रही है ऊपर, हाँ यूं करके जो नहीं तिकोनी सी निकली हुई, इसको मेरे ख्याल है लेडी फिंगर कहते हैं। ये जी गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं ईगल्स नेस्ट होटल पे। यहाँ से हम लोग सनसेट को एंजॉय करेंगे। सूरज जगह बादल है, सनसेट का देखते हैं क्या सीन रहता है, कलर्स का स्काई। ये बाहर छोटी सी एक मार्केट है, और ये हमारी शहजादी खड़ी हुई है। ये जो मैंने पहले कोशिश की थी कि ये पीक नजर आए लेडी फिंगर, लेकिन ये बादलों में ढकी हुई थी, अब ये नजर आनी शुरू हुई है, तो मैंने कहा ये शॉट ले लेते हैं। क्या यार, कसम से कुदरत खुदा की, तुम लोग मारखो ढूंढते रहो। हाँ जी,
एमएलए मारखोर, सब कुछ ही ऊपर है, हम भी ऊपर है। कहीं नहीं है मारखोर इधर। लेकिन ये सूरज फिलहाल तो फिर बादलों में पीछे गया, लेकिन उसकी वजह से लाइट का रिफ्लेक्शन देखें पहाड़ों पे किस तरह का आ रहा है। ये देखेंगे सूरज छुपा हुआ बादलों में। ज्यादा बेहतर व्यू के लिए हम लोग ईगल नेस्ट होटल के अंदर आ गए हैं, चाय ऑर्डर की है। चेक करें टांड। ये जी देखें सनसेट हो गया हुआ है और अब हमारा वारा निकलने का टाइम। निकलते हैं क्योंकि अंधेरा हो जाएगा, लेकिन चेक करें ये व्यू, चेक करें सनसेट का ईगल नेस्ट से खूबसूरत व्यू। तो गाइस हम लोगों ने ईगल नेस्ट पे आके सनसेट एंजॉय किया। प्लीज दिखाओ सनसेट ज़रा। इसी सनसेट के साथ हम लोग आज का अपना ब्लॉग एंड कर रहे हैं। तो अब यहाँ से हमारी वापसी का सफ़र होगा बैक टू ओल्ड हुंजा इन होटल जहाँ पे हमने स्टे किया हुआ। तो अब सुबह मिलेंगे जब हम लोग खुंजराब के लिए प्लान किया हुआ निकलने का खुंजराब के लिए निकल रहे होंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अपने दोस्त, अपने बड़ी हफीज़ादी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह। चेक करें जी व्यूज। ब्लॉग एंड कर दिया था लेकिन इरादे कुछ बदल गए। ये चेक करें जी व्यूज। सनसेट टाइम। Mm-hmm.